हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आप सबका स्वागत है जी डी फैक्ट्री की वीडियो में। मेरा नाम है फैगन और गाइस यार आज हमें जाना है बहुत जरूरी काम करने, तो पहले जल्दी फटाफट से। अरे किसका फोन आ रहा है, एक सेकंड में पहले बात कर लेता हूँ। हेलो कौन बोल रहे हैं, क्या अभी? अरे पर उन्होंने तो बोल दो बाद में आएंगे। अरे पर अभी कैसे आ सकते हैं, मैंने सारी तैयारी नहीं करी। अरे यार अभी कैसे आ सकते हैं। अरे ठीक है चलो भेजो यार, करता हूँ मैं कुछ ना कुछ। अरे यार ये क्या हो गया यार, मुझे फटाफट सारी तैयारी करनी पड़ेगी। तो गाइस सर आज हमारे घर पर बहुत सारे गेस्ट आने वाले थे, पर वो आने वाले थे शाम को, पर वो अभी के अभी आ रहे। मुझे फटाफट सारी तैयारी करनी पड़ेगी। शिनचैन फटाफट से तैयारी कर, वो शुरू कर, वो अभी के अभी आ रहे। अरे क्या फिंकी पे, वो तो शाम को आने वाले, क्यों मजाक कर रहे हो? अरे वो शाम को नहीं आने वाले, वो अभी के अभी आ रहे, जल्दी सारी सारी तैयारी कर। अरे ठीक है फिंकी पे, सारी सारी तैयारी करता हूँ। अरे जल्दी मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ। A few moments later. तो गाइस यार मैं हो चुका हूँ बिल्कुल ज्यादा तैयार। अभी आपको मैं दिखाता हूँ हमने क्या क्या तैयारी कर दी हमारे गेस्ट के लिए। तो शिनचैन तैयार ना? अरे फिंकी पे सारी सही तैयारी कर दी। तो गाइस यार अभी दिखाता हूँ हमारे पैसों वाली तैयारी। तो गाइस यार हमने पूरे के पूरे घर में हर जगह पैसे पैसे रखवा दिए, एकदम मस्त लग रहा है ना। मगर ऐसा लग रहा है इसका नाम होना चाहिए मनी हाउस। हर जगह हमने पैसे पैसे रख दिए मस्त यार। क्या डेकोरेशन किया शिनचैन ने। अरे ये क्या कर दिया मैंने, अरे मैं पानी में गिर गया। अरे मुझे वापस से सूट चेंज करना पड़ेगा शिनचैन, मैं जल्दी सूट चेंज करके आता हूँ। अरे मैं पानी में क्यों गिर गया। तो यार अभी मैंने वापस सूट चेंज कर लिया, अभी हमारे गेस्ट यार थोड़ी देर में आते होंगे, तो देखते हैं कितनी देर में आते हैं। अरे फिकी बाबू कब आएंगे? अरे शिनचैन आ जाएंगे थोड़ी देर में। बच्ची हो समझ नहीं आता, मेरा नाम है फ्लाइंग जट। अयो मैं जा रहा जी फ्रैंकली घर पे, अयो लग गए जी। अरे फिकी भाई कौन सा बंदर है? अरे भाई मालूम नहीं, पता नहीं कौन सा बंदर है। बच्ची हो क्या समझ नहीं आता, मैं बंदर नहीं, मैं हूँ द फ्लाइंग जट। अरे भाई तू आ गया, आपका स्वागत है हमारे घर में। अरे बच्ची हो क्या, इसको दौरा पड़ रहा है, चप्पल सुंगाओ। अरे नहीं मुझे कोई दौरा वोरा नहीं पड़ रहा। छोटा भीम छोटा भीम, तुम की चट्टी तुम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम छोटा भीम, अरे मैं आ गया, मुझे जाना है फ्रैंकलिन के घर, उन्होंने मुझे बुलाया लॉस सेंटर्स घुमाने के लिए। अरे देखो देखो मैं आ गया। अरे फिकी भी एक और बंदर। अरे शिनचैन मैं बंदर नहीं हूँ। अरे मुझे क्यों मार रहे? अरे तुम मुझे बंदर मारोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्या? अरे भाई छोटा भीम तुम्हारा भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर में, कैसे हो तुम? अरे मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ। अरे मुझे फिर से मार दी है। अरे भाई उसको मत मारो यार। अरे ठीक है तुम बोलते हो तो नहीं मारूंगा। अरे शिनचैन नहीं मारे। अरे नहीं फेंकी मैं नहीं आऊंगा, मुझे डर लग रहा है। अबे आजा कुछ नहीं होगा। अरे नहीं फेंकी मैं नहीं आऊंगा। अरे चलो चलो हमें लॉस सेंटर्स घूमने। अरे हाँ यार तुमको सबको लॉस सेंटर्स घुमाऊंगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। शिनचैन ने करी पूरी तैयारी। तो गाइस यार आज की तैयारी है पूरे लॉस सेंटर्स घूमने की करी है शिनचैन ने, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और हमने इनके लिए एक सरप्राइज भी रखा है, वो भी चल के देखेंगे। तो ये रही तुम्हारी गाड़ी, वो भी एकदम लग्जरियस बिल्कुल गोल्ड की शिनचैन जो लेके आया। ये 3 2 1 येलो। ये क्या, ये लड़की क्या कर रही है शिनचैन यहाँ पे? अरे फिकी भी ऊपर डांस कर रही है। अबे तो पागल, इधर गाड़ी के ऊपर कौन नचाता है? अरे फिकी मैंने सोचा बहुत ही बढ़िया लगेगा। अबे ये बढ़िया कैसे लग रहा है? अरे दीदी उतरो ऊपर, क्या चढ़की बैठी है। चलो कोई बात नहीं, इसको लटकने दो, अपन चलते फटाफट से अपने सरप्राइज पे और तुम्हें पूरा का पूरा लॉस सेंटर्स में घुमाते हैं। तो गाइस अभी सबके सब जने बैठ चुके और ये ऊपर दीदी डांस कर रही है, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी हम लेके जाने फ्लाइंग जेट और छोटा भीम को थोड़ा घुमाने और इनको इनका सरप्राइज भी दिखाने। तो गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमें 2 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो अभी हम आ चुके बीच की साइड और अभी हम जाने वाले थोड़ा समुंदर में थोड़ा घूमने, वो भी इस गोल्डन याच में। तो ये वाली गोल्डन याच मैंने बुक करवाई थी, वरना शिनचैन इसमें भी यार बहुत सारी लड़कियां डलवा देता। तो अभी हम चलते हैं, लड़के फालतू में नाचती रहती, फटाफट से इसके अंदर बैठते हैं। आ जाओ सबके सब साथ में चलेंगे इस गोल्डन याच में फुल यार मस्त घूमते घूमते पानी में। तो यार अभी हम सबके सब जने बैठ चुके, मैं चला था इस याच को और इनका सरप्राइज बिल्कुल इनको पानी के बीचों बीच मिलने वाला है। तो अभी अपन यहाँ से पहले याच निकाल रहे हैं और चलते बीच समुंदर में, और हमारी याच निकल चुके, मजा आ रहा है ना? अरे हाँ मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बच्चियों क्या मुझे भी मजा आ रहा है, अयो तेज नहीं चलाओ जी। अरे फिकी भी और तेज चलाओ और तेज चलाओ। तो गाइस यार यहाँ पे अभी मैं आ चुके इनके सरप्राइज पे, हम इनको देने वाले अरे अरे बहुत टेढ़ी हो गई। अरे भाई सबके सब कूदो, अबे सबके सब गिर गए, मैं अकेले बचाओ। अबे शिनचैन कूद नीचे। अरे फिकी भी मैं तो अटक गया। अरे भाई मैं, अरे एक सेकंड, अबे ये क्या हुआ, अबे उधर ब्लास्ट कैसे हो रहे? अबे भाई घर में ब्लास्ट कैसे हो रहे? अबे ये क्या हो गया, अबे सारे सारे कांच टूट गए ऊपर से। अरे भाई ये क्या कर दिया मैंने, अरे पता नहीं क्या कर दिया भाई, सारे सारे घर ब्लास्ट हो रहे। अबे फटाफट इसके अंदर चलते हैं, अबे बहुत सारी मछलियां भी है। अरे सबके सब घर के ऊपर आओ। अबे एक सेकेंड ये क्या हो गया,
अबे सब कैसे मर गए, अबे सारे सारे पानी अंदर आ चुका है। अरे ये तो घर तो बिल्कुल सही था, अरे यार ऊपर ब्लास्ट हो, सारे सारे कांच फूट चुके और सारे सारे पानी अंदर आ चुका है। अरे ये क्या कर दिया मैंने, अरे पूरा का पूरा घर खराब कर दिया। ये मैंने घर इनको सोचा था मैं इनको दे दूंगा, अरे भाई इधर ऊपर तक पानी आ चुका है, यहाँ पे तो आग भी लग चुकी है। अरे यार ये क्या होगा, अरे भाई इतना बड़ा सरप्राइज मेरा पूरा का पूरा फेल हो चुका है। अब इसको मेरे को बुझाना पड़ेगा फटाफट से, इस आग को बुझाते हैं। अरे भाई जल्दी आओ आग को बुझाने में मदद करो। अरे यार कैसे बुझा उसको, अरे अब मैं क्या करूंगा। बच्चियों क्या इसमें रोने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती सबसे होती है। अरे हाँ गलती सबसे होती है, एनी फेकी पे अब क्या करेंगी। अरे भाई अब मैं क्या करेंगी, भाई पूरा का पूरा घर डूब चुका है। मैंने सोचा तुम दोनों में से किसी एक को एक घर दे दूंगा। चलो गाइस यार आपको यार घर दिखा देता हूँ कैसा घर ये। अरे यहाँ पे जमीन थी मैं खोद के इसके ऊपर, तो यहाँ पे यार मस्त मस्त सोफा लगे हुए थे वो जो की पूरे डूब चुके हैं और गीले भी हो चुके हैं। तो अभी आपको मैं नीचे लेके चलता हूँ। अरे भाई मैं पूरा का पूरा गीला हो चुका, मैं गिरे जा रहा हूँ। पर आपको यार मैं घर तो पहले दिखाई देता हूँ मैं कैसा घर इनको देने वाला था। मुझे ये घर वापस से रिपेयर करना पड़ेगा, सारे सारे पानी ऐसे निकालना पड़ेगा। ये सारे के सारे यहाँ पे यार काम करते थे इस रेस्टोरेंट में, बताइए जो भी यार खाना अपन बोलते सारा सारा खाना हमको बना के देने वाले थे। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वाला किचन था और यहाँ पे मैं अटक चुका हूँ। यहाँ से अपन बाहर निकलते हैं। भाई पूरा घर भाई पता नहीं क्या कर दिया, अंडर वाटर हाउस को वाटर हाउस बना दिया, मतलब पानी के अंदर हाउस, क्या बोल रहा हूँ मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे यार बहुत सारे सोफा थे और यहाँ पे भी जने यार काम करने वाले, हमने इतने सारे जने रखे थे जो कि पूरा का पूरा घर साफ रखने वाले थे। और यहाँ पे देखते ये भी यहाँ पे काम करने वाले, यहाँ पे यार बहुत सारे सोफा लगे हुए, यहाँ पे बेड लगा हुआ है, सोफा लगा हुआ है, मतलब यार मस्त हमने घर बनवाया था। पर पूरा का पूरा जा चुका है पानी के अंदर, अब मुझे वापस से पूरा का पूरा रिपेयर करना पड़ेगा। पर हमें एक गिफ्ट दूँ कि इसको छोटा भीम को दूँ कि फ्लाइंग जेट को दूँ। अरे मुझे लगता है यार फ्लाइंग जेट को देना चाहिए क्योंकि छोटा भीम तो अभी छोटा है तो यहाँ पे स्विमिंग नहीं कर पाएगा, फ्लाइंग जेट तो यार स्विमिंग कर देगा। और यहाँ पे सारा सारी यहाँ पे चीजें पड़ी थी जो कि पानी के अंदर तो बिल्कुल डूबी भी नहीं थी, अभी डूब चुकी है तो कुछ नहीं कर सकते, अब डूब चुकी है। और यहाँ पे बहुत सारे पैसे भी पड़े थे, वो भी सारे डूब के पता नहीं कहाँ चले गए, सारे सारे पैसे भी तो गीले हो गए होंगे। और यहाँ से था नीचे बाहर जाने का, यहाँ से अपनी सबमरीन यहाँ से बाहर लेके जा सकते थे। और यहाँ पे इतनी बड़ी मछली क्या कर रही है, अबे ये मछली हट जाए ऐसे साइड जा। अरे भाई अबे तो बहुत सारी मछलियाँ, अबे ये तो मेरे को घेर रही है, भाई भागो ऐसे, अरे मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो गाइस यार ये था हमारा घर, यार कितना ज्यादा बढ़िया घर था, पर वो पूरा का पूरा डूब चुका है। पता नहीं किसने ब्लास्ट करवाया, किसी की मुझे लग रहा है साजिश होगी ब्लास्ट कराने की। हमारा पूरा का पूरा घर हो चुका है बर्बाद। तो अब वापस से चलते ऊपर, अब देखते हैं उनसे पूछते हैं। अरे नहीं नहीं एक सेकंड, मैंने यार बहुत सारे तगड़े तगड़े कलेक्शन बनवाया था कार और बोट का, वो आपको चल के दिखा था, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। एक काम करता हूँ छोटा ये फ्लाइंग जेट को मैं ये बार घर दे दूंगा और छोटा भीम को यार कार और यार बहुत सारी बोट दे दूंगा, पर नहीं यार उसको अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करता हूँ सबको सबको यार फ्लाइंग जेट को दे देता हूँ और छोटा भीम के लिए हम अगला कुछ प्लान करेंगे। तो अभी मैं चलता हूँ ऊपर और आपको दिखाता हूँ यार बोट कलेक्शन और कार कलेक्शन यार बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। फटाफट से चलते हैं यहाँ पे। और ये रही हमारी सारे की सारी बोट, हमारे पास इतनी ज्यादा बोट है, आप इनमें से कोई भी चला सकते हो। आप यहाँ पे आओ यार फ्री में बोट चला, बस आप घर के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो डूब चुका है। हमारी बोट क्यों नहीं डूबी, बोट नहीं डूबी यार, अच्छा हाँ बोट तो डूबती नहीं यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी अपन चलते हैं यहाँ से, आपको बोट दिखाता हूँ बिल्कुल हमारी क्लोज से। बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्पीड बोट है हमारे पास, गोल्डन बोट है और भी मस्त मस्त बोट है हमारे पास, जो चाहे आप ले सकते हो। और अभी आपको मैं लेके चलूंगा फिर कार्ड कलेक्शन पे, पहले आपको यहाँ पे चढ़ के मैं दिखा देता हूँ। ये देखो एक बोट, दो बोट, तीन बोट, चार बोट, यहाँ पे कुल मिला के 23 बोट्स है जो कि बहुत ही खतरनाक कलेक्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही बड़े वाले बड़ी बड़ी बोट भी है, तो इसके ऊपर यहाँ से चढ़ते हैं। और ये देखो भाई कितनी बड़ी बोट है, इसमें यार हमारे बोटों को इधर उधर लेके जाते हैं जैसे कि इसके ऊपर बोट पड़ी है। और यहाँ पे इसके यार मस्त यार व्यू आता है लॉस सेंटर्स का, पूरा यार मस्त समुद्र का व्यू उठाओ। तो अभी आपको लेके चलता हूँ हमारे कार्स कलेक्शन में, तो फटाफट से दिखाता हूँ आपको कार्स कलेक्शन। तो अभी अपन ऐसे हेलीकॉप्टर में बैठने वाले, ये हमारा एक गोल्डन हेलीकॉप्टर। अगर ये घर बिल्कुल सही का सही होता तो बहुत ही ज्यादा मस्त लगता, पर अब क्या ही कर सकते, पानी अंदर बढ़ चुका है, अब ठीक करवाएंगे, पर कोई बात नहीं। अभी आपको दिखाता हूँ मेरा कार्स कलेक्शन इस हेलीकॉप्टर में, मेरे बीच के यहाँ पे सारी सारी कार्स पड़ी और बिल्कुल ढंग से हम लैंड करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा कार्स का कलेक्शन, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 करोड़ रुपए की कार है, मतलब सारी सारी कार यार बहुत ही ज्यादा महंगी है और बहुत ज्यादा तगड़ी तगड़ी भी है। यहाँ पे बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, फरारी, जो भी आपको कार का नाम पता है वो सारी सारी यहाँ पे ला फरारी भी खड़ी है। कितनी ज्यादा मस्त लग रही है कार्स का कलेक्शन। तो देखो पूरा का पूरा बीच हमने इस साइड वाला जो है ना वो पूरा का पूरा बुक करवा लिया है। यहाँ पे हमारी सारी सारी गाड़ियां जो है यहाँ पे खड़ी होने वाली है और हमारे पास एक हेलीकॉप्टर भी और बहुत ही बढ़िया वाला बोट्स का कलेक्शन भी है। तो अब मेरी बात सुनो, देखो ये जो घर में तुमको दिखाने लेके आया ना,
मैंने सोचा था ये रहे तुम दोनों में से किसी एक को एक गिफ्ट कर दूंगा, पर अब इसमें भर चुका है पानी। अब तो तुम दोनों डिसाइड कर लो भाई किसको चाहिए ही घर, और एक जने डिसाइड कर लो और अगला जो घर होगा ना मैं वो दूसरे जने को दिखा दूंगा, वो यार वो और भी अच्छा कर दे लोगों में। अरे अरे मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती, मैं पानी में कैसे नहाऊंगा, और मुझे मछलियों से भी डर लगता है। एनी फिकी भाई काम कर मुझे दे दो। अबे तू चुप रहे। तो गाइस अब फाइनल हो चुका ये घर मिलने वाला है फ्लाइंग जेट को। बच्चियों क्या समझ नहीं आता, ये मुझे घर बहुत ही बढ़िया लगा। थैंक यू फ्रैंकलिन ये घर देने के लिए। अरे कोई बात नहीं यार, एंजॉय कर, पानी तू ही हटा लियो, तू तो फ्लाइंग जेट है। तो गाइस यार आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो। फ्लाइंग जेट को मिल चुका है घर, सॉरी गलती से मार दिया। तो आप यार अगला एपिसोड जरूर देखना, हम उसमें यार छोटा भीम को दिलवाने वाले हैं कि यार उड़ता हुआ हाउस यानी फ्लाइंग हाउस, तो उसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।